अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह स्टूडेंट। सो द आज हम हमारा टॉपिक है सो द मॉडर्न पीरियड। सो मॉडर्न पीरियड ऑफ द केमिस्ट्री। सो बस पहले हमने पढ़ा था ग्रीक पीरियड, उसके बाद हमारे पास आया था मुस्लिम पीरियड। ग्रीक पीरियड के एंड में हमारे पास आया था मुस्लिम पीरियड। जैसे ही मुस्लिम पीरियड की अपनी पछाड़ी हुई, एंड हुई, तो हमारा स्टार्ट हुआ था मॉडर्न पीरियड्स। सो मॉडर्न पीरियड किस टाइम आया था? 1600 AD ऑनवर्ड्स, वो अभी तक चल रहा है। सो मॉडर्न पीरियड में फर्स्ट ऑफ ऑल किस किस साइंटिस्टों ने काम किया हुआ था, सो कंट्रीब्यूशन की थी साइंटिस्ट हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साइंटिस्ट आ रहा है रॉबर्ट बॉयली। सो रॉबर्ट बॉयली इज 1627 से लेकर 1691 तक किसने, मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन की थी बताया की है, वो हम बता रहे हैं कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन की थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने आइडियाज दिया हुआ था सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर, और दूसरा इसने दिया था कि रॉबर्ट बॉयली ने बॉयल्स ला के नाम किसने अपना एक ला दिया था जिसको उसने नाम दिया था बॉयल्स ला। सो वो बॉयल्स ला किस में काम करता है? वो करता है प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। प्रेशर की वो बताया, हम आपको क्वेश्चन में समझा रहे हैं कैसे उसने मतलब बताया था कि मतलब ग्राफ में समझा रहे हैं आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या किया कि इसने एक ग्राफ समझाया हमें कि ये हमने एक ग्रेक कर्व लाइन ग्राफ बनाया है ट्रायंगल। सो इसने कहा कि इसको हम वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, इसको हम वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, और इसको एक्स एक्सिस पे इसको हम टेम्परेचर कंसीडर करते हैं। इसमें एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर कंसीडर करते हैं। सो जैसे इसने मतलब यहाँ से वॉल्यूम को डिक्रीज़ करवाता गया और कोट टाइम ऐसा हुआ कि ऐसे मतलब ऐसे हो गया। सो वॉल्यूम डिक्रीज होता हो रहा था, सो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और टेम्परेचर की प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। ये लाइन जो है यह टच कभी नहीं करेगी यहाँ, क्योंकि प्रेशर है, प्रेशर टच नहीं करेगी। वॉल्यूम होगा, इतना वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम ख़त्म नहीं हो जाएगा, वॉल्यूम थोड़ा सा होगा, मगर टेम्परेचर प्रेशर की जो हमारी है वो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। इस तरह से एक इक्वेशन बनाई इसने, एक इक्वेशन जो बनती है, एक इक्वेशन कैसी बनती है, वो इक्वेशन है। इसने इक्वेशन क्यों से दी थी कि पहले इसने इक्वेशन दी थी वॉल्यूम प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू टेम्प में वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम के जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, प्रेशर है ना, सॉरी प्रेशर इन्वर्सली प्रेशर टू वॉल्यूम, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। सो इसके बाद इसने एक और की कई को बाद में इसने क्या कहा कि एक मिनट इसको सेट करके लिखूँ। उसके बाद इसने अलग करके मतलब की क्वेश्चन कैसे बनाई, इसने बनाई P मल्टीप्लाई V, मतलब प्रेशर को मल्टीप्लाई वॉल्यूम से इजिकल टू K इज कॉन्स्टेंट है, इजिकल टू K, ये इसकी क्वेश्चन है इसकी बॉयल्स ला की। मतलब एक रॉबर्ट बॉयली फादर ऑफ फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है जिसको, उसने मतलब फर्स्ट बॉयल्स ला बनाया हुआ था जिसको P V इजिकल टू K V कॉन्स्टेंट भी कहा जाता है। ये इसकी मतलब टेम्प में प्रेशर और वॉल्यूम के बराबर में इसने एक इक्वेशन बनाई थी और उसको ला भी कहा जाता था, इसको कहा इस ला को हम कहते हैं बॉयल्स ला। सो उसके बाद आता है जे ब्लैक 1700 से लेकर 28 तक 1728 एंड 1799 तक इसने मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन की थी, इसने एक ही मेड स्टडी ऑफ द कार्बन, इसने एक कार्बन के बारे में एक स्टडी की थी, कार्बन डाइऑक्साइड में इसने एक स्टडी बनाई थी इसकी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे पढ़ा जाता है। उसके बाद में आता है जे प्रेसेंटली 17 से लेकर 331804 तक के, इसने ही डिस्कवर द ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इसने ऑक्सीजन डिस्कवर किया, सल्फर डाइऑक्साइड डिस्कवर किया, एंड ही मेड क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ही मेड हाइड्रोजन क्लोराइड। सो उसके बाद इसने इसके लिए आया था ही डिस्कवर्ड क्लोराइड, इसने क्लोरीन को डिस्कवर किया था, मतलब जे प्रेसेंटली इसने ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था एंड सल्फर डाइऑक्साइड को डिस्कवर किया था एंड
हाइड्रोजन क्लोराइड को, इसने क्लोरीन को डिस्कवर किया था। सो सेकंड सेकंड हमारा गया है केविडिश। केविडिश 17 से लेकर 1738 से 31 से लेकर 1810 तक के इसने ही डिस्कवर्ड हाइड्रोजन, ही डिस्कवर्ड हाइड्रोजन मतलब इसने हाइड्रोजन डिस्कवर किया था, और इसने हाइड्रोजन क्लोराइड, इसने क्लोरीन दोनों हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया था। उसके बाद प्रोसेस में बढ़ते जाएंगे। उसके बाद में लेवो लेवोजर्स, इसने ही डिस्कवर दैट ऑक्सीजन कॉन्स्टेंट अबाउट द 50 ऑफ एयर्स, इसने 150 ऑफ द एयर्स मतलब इसने कहा था ऑक्सीजन भी डिस्कवर किया था और 150 ऑफ द एयर्स में भी मौजूद होता है, और इसने मतलब ये बताया गया था। उसके बाद आया गियोलिजिक, गियोलिजिक जो हमारे पास आया था वो 1778 से लेकर 1850 तक था। ही डिस्कवर द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम जो मास का था और टेम्परेचर में इसने कहा था डिस्कवर रिलेशनशिप बताया था। और उसने डिस्कवर किया था बोरान, बोरान किसने डिस्कवर की थी, गियोलिजिक ने। और उसने फार्मूला दिया था मतलब इसने अपना ला दिया था, उसको गैस की लिक्स ला भी कहा जाता है और उसको एंटीन ला भी कहा जाता है। उसने फार्मूला बताया था के इज इक्वल टू पी अपॉन टी, के इज इक्वल टू पी अपॉन टी, के इज कांस्टेंट है, पी पी मल्टीप्लाई पी डिवाइडेड बाय टी में टेम्परेचर। सो इसने ये फार्मूला दिया था, इसने डिस्कवर मतलब रिलेशनशिप भी बताया था वॉल्यूम एंड गैस में टेम्परेचर में, और डिस्कवर इसने क्वेश्चन क्या की थी, डिस्कवर इसने किया था बोरान। सो फर्स्ट ये था हमारा टॉपिक मॉडर्न केमिस्ट्री में साइंटिस्टों का, जिस जिसने मतलब डिस्कवरीज की, जिस किस कंट्रीब्यूशन किया था, और फार्मूला जैसे मतलब रॉबर्ट बॉयल, इसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है उस टाइम। और उसके बाद रॉबर्ट बॉयल ने एक बॉयल्स ला भी दिया था गैस एंड प्रेशर के बीच में। उसके बाद गैस गियोलिजिक जैसे फार्मूला दिया था के इज इक्वल टू पी अपॉन टी। उसके फर्दर साइंटिस्टों ने क्या क्या डिस्कवर किया था, किसने हाइड्रोजन क्लोराइड सब ने डिस्कवर किया था। सो ये था हमारा मॉडर्न पीरियड। सो आगे इंशाल्लाह हम पढ़ते जाएंगे